How to know what is your GF or BF doing on her or his mobile? जी हाँ दोस्तों, आप अपने फ्रेंड की सारी बातें जान सकते हैं, जैसे वो अपने मोबाइल में क्या करता है, यूट्यूब पर क्या देखता है और उसने अपने फ़ोन में कौन सी ऐप इंस्टॉल करके रखी है, उसकी करंट लोकेशन क्या है और लोकेशन हिस्ट्री भी, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये भी आप घर बैठे पता कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में और बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए और बिना मोबाइल रूट किए। इसके लिए बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। आइए जानते हैं ये कैसे होगा। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का सिंबल है इस पर भी क्लिक करना ना भूलें। हम रोजाना आपके लिए एक नया टेक वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप ये कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक ईमेल आईडी बनानी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी, देखिए यहाँ जो जीमेल है इस पर आपको क्लिक करना है और ये जो आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ है इसके बगल में जो ये छोटा सा एरो टाइप का सिंबल है इस पर क्लिक करना है और ये देखिए ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इस गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए न्यू जो है इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल दें या जिस फ्रेंड का आप लोकेशन वगैरह जानना चाहते हैं, जिस मोबाइल पे नज़र रखना चाहते हैं उसी के नाम से इस ईमेल आईडी को बना लें। आगे के स्टेप में अपना नंबर वगैरह डाल के इस ईमेल आईडी को बना लें और अपने फ़ोन में इसे रहने दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको अपने फ्रेंड का मोबाइल 1 से 2 मिनट के लिए चाहिए होगा और इसके बाद उसके मोबाइल में क्या करना है, जीमेल को ओपन करना है और फिर जो यहाँ पर था ऑप्शन आपके ईमेल आईडी के बगल में एरो टाइप का, इस पर क्लिक करना है ऐड अकाउंट पे गूगल में और इस बार आपको न्यू पे नहीं बल्कि एग्जिटिंग पे करना है और आपने जो अपने फ़ोन में ईमेल आईडी बनाई है उसे यहाँ डालना है और जो पासवर्ड डाला था उसे यहाँ डालना है और साइन इन कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो चलिए साइन इन कर लेते हैं और ये कुछ देर के बाद साइन इन ले लेगा और इसके बाद हम लोग आसानी से अपने फ़ोन में ही अपने फ्रेंड की फ़ोन की सारे बातें जान सकते हैं। तो चलिए अब साइन इन हो गया, अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं और अगला जो स्टेप है वो है हमारा गूगल। जी हाँ दोस्तों, गूगल ऐप सभी में होती है, इसे किसी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और अब आपको जानी है गूगल में और ये आपको अपने फ़ोन में करना है। आपके फ्रेंड के फ़ोन से अब आपका काम खत्म हो चुका है, बस आपको ईमेल आईडी साइन इन करके छोड़ देना है। अब देखिए गूगल में जाके आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर 3 लाइन दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर देखिए सेटिंग्स के ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और फिर दूसरे नंबर में जो अकाउंट्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और फिर देखिए चौथे नंबर में गूगल एक्टिविटी कंट्रोल्स। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से गूगल एक्टिविटी कंट्रोल्स इस पर ही आपको क्लिक करना है और फिर देखिए आप कैसे किसी का भी लोकेशन वगैरह निकाल सकते हैं, सारा चीज़ जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक्टिविटी कंट्रोल्स लिखा हुआ है और यहाँ पर अभी मेरा जीमेल है, इस पर देखिए फिर से एक छोटा सा एरो टाइप का सिंबल है, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर अभी जो आपने ईमेल आईडी नहीं बनाई है और अपने फ्रेंड में जो डाला है उस पर ही आपको क्लिक करना है और फिर इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा और अब देखिए यहाँ पर आ गया। इससे आप देखिए क्या क्या जान सकते हैं, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, डिवाइस इंफॉर्मेशन, जी हाँ दोस्तों डिवाइस इंफॉर्मेशन, वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, आपके फ़ोन में जो वॉइस और ऑडियो है वो कैसे निकल जाएगा, यूट्यूब सर्च हिस्ट्री, जी हाँ दोस्तों आपका फ्रेंड यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहा है वो भी आप निकाल लेंगे
YouTube वॉच हिस्ट्री हो गया, अब है गूगल लोकेशन हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, गूगल लोकेशन के मदद से हम लोग उसका करंट लोकेशन और उसके पहले वो कहाँ कहाँ गया था वो सारा निकाल सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले हम चलते हैं वेव एंड ऐप एक्टिविटी पे, तो इस पर हम टच कर देते हैं और देखिए यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन मैनेज एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर ये साइन इन ले रहा है, इसके बाद आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये लोड हो गया और आप देख सकते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन वेब और ऐप से जुड़ी हुई आ गई है। यहाँ पर देखिए गूगल प्ले में मॉन्स्टर हीरो सिटी बैटल ये खोला गया है। ये ईमेल आईडी मैंने अपने एक फ्रेंड के मोबाइल में डाली हुई है। फिर देख सकते हैं गूगल प्ले पे कंट्री एंड करेंसी खोला गया है। गूगल प्ले पे मास डिलीट फॉर इंस्टाग्राम ऐप इसे खोला गया है। गूगल प्ले पे नोवा लेगेसी गेम ये खोला गया है। फिर देखिए गूगल प्ले में यूसी डालकर सर्च किया गया है। इस तरह आप देख सकते हैं सारी निकल गई और ये भी देख सकते हैं कि कितने तारीख को कितने बजे ये की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सारा डिटेल आपके पास आ गया। देखिए आप कुछ भी जान सकते हैं, किस डेट को क्या क्या हुआ था, आप बिल्कुल सब कुछ जान सकते हैं और इसे आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा नहीं रहे तो ये डिलीट भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए सिंपल डिलीट का ऑप्शन है और आपको इस पर टच करना है और फिर देखिए ये डिलीट होने के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप में। अब हम चलते हैं बैक और फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो हमारा ऑप्शन था उसे, दूसरा ऑप्शन है डिवाइस इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, इससे हम उसके डिवाइस की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिवाइस इंफॉर्मेशन में चलते हैं और फिर यहाँ भी देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज एक्टिविटी, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर ये फिर से साइन इन लेगा और सारा चीज़ आपको निकाल कर दे देगा। आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस का इन्फॉर्मेशन निकल चुका है। मेरे जो दोस्त है उसने क्या देखा है देख सकते हैं यूट्यूब पे, उसने हाउ टू ट्रैक लोकेशन एनीवन और ऑल इन दी टेक्निक्स, गूगल प्ले पे क्या क्या खोला है और फिर यूट्यूब पे ही देखिए क्या क्या देखा गया है, सारी लिस्ट आ गई है। गूगल प्ले पे क्या खोजा गया है, कितने बजे कितने तारीख को सब दिया हुआ है आप देख सकते हैं। और यहाँ भी आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, देखिए इस पर डिलीट पे क्लिक करना है और ये डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो गया डिवाइस इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप में और देखते हैं उसमें क्या होता है। और तीसरा जो हमारा आप देख सकते हैं वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी, इस डिवाइस में जितने भी वॉइस और ऑडियो एक्टिविटी हुए होंगे वो अभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप उसे लाइव सुन पाएंगे कि क्या क्या हुआ है उस मोबाइल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निकल गया है वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी। यहाँ पर सर्च गूगल ऐप में सर्च किया गया है न्यू सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, आप इसे प्ले करके सुन भी सकते हैं कि क्या बोला गया है। हम प्ले पे टच करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा दोस्तों कैसे हमने वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी निकाल लिया है। तो अब चलिए वापस हम चलते हैं अपने दूसरे एक्टिविटी की तरफ और जो है आपका YouTube सर्च हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आपका फ्रेंड YouTube पे क्या सर्च कर रहा है वो भी यहाँ पर आपको आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं उसने अभी तक क्या क्या सर्च किया है। मैनेज एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, फिर से इसे साइन इन होने देते हैं और फिर देखते हैं YouTube पे आखिर क्या क्या सर्च किया गया है। ये देखिए दोस्तों, लिस्ट आ गई है और YouTube पे क्या क्या सर्च किया गया है आप देख सकते हैं, सारी लिस्ट आ गई है, किस तारीख को की गई है, कितने बजे की गई है,
हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, और यहाँ पर ही क्लिक करके हम लोग भी इस चीज़ को YouTube पे सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं जूम के भी। यहाँ पे जब आप ऊपर आएंगे तो एक देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जूम होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और फिर ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर जूम आउट होने लगेगा। ये देखिए, तो आपने देख लिया YouTube सर्च हिस्ट्री में क्या होता है। अब चलिए हम लोग अगले में चलते हैं, और अगला जो है वो है YouTube वॉच हिस्ट्री। जी हाँ देख सकते हैं YouTube वॉच हिस्ट्री, इस पे भी आपको क्लिक करना है। मैनेज एक्टिविटी में जाना है, और थोड़े देर में ही हमें पता चल जाएगा कि YouTube पे उसने अभी तक क्या क्या देखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सारी लिस्ट आ चुकी है, और YouTube पे आज तक उसने जो भी चीज़ देखी होगी वो सारी मुझे अभी पता चल जाएगी, और आपको भी। देखते हैं उसने क्या क्या देखा है। ये देखिए, सारी लिस्ट आ चुकी है, कितनी तारीख को किस चैनल पर कितने बजे क्या देखा गया है, सारी लिस्ट आपको आ चुकी है। और आपको बस यहाँ टच करना है, और आप भी इसे YouTube पे देख सकते हैं कि आखिर उसने क्या देखा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, और यहाँ भी देख सकते हैं आपको जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। और फिर हम चलते हैं अपने अगले एक्टिविटी में, जो सबसे खास है और सबसे इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, वो है गूगल लोकेशन हिस्ट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में, क्योंकि लोकेशन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है किसी का भी, लेकिन तरह आप किसी का भी लोकेशन निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अभी वो कहाँ है। गूगल लोकेशन हिस्ट्री में चलते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं दो डिवाइस के ऑप्शन आ रहे हैं, एक पहला जो मेरा है, और दूसरा आप देख सकते हैं SM J7005F, ये उसका फ़ोन है। तो यहाँ पर आपको यहाँ राइट साइड में थ्री डॉट दिख रहे होंगे, इस पे आपको क्लिक कर देना है, और देखिए एक ऑप्शन आ रहा है व्यू और मैनेज, इस पे आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ रहे हैं, आपको गूगल मैप्स पे ही चूज करना है, और फिर ये आपको गूगल मैप्स में लेके जाएगा, और अभी तक वो जहाँ जहाँ गया होगा और जो भी लोकेशन होगी उसकी वो निकल जाएगी, और आप देख पाएंगे यहाँ पर इसी स्क्रीन पे कि वो अभी तक कहाँ कहाँ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए सारी लिस्ट आ चुकी है, वो अभी कहाँ गया था अभी पता चलेगा। ये देखिए, वो यहाँ जा चुका है 5:59 AM में, टुडे ही, आज ही। और फिर उसकी करंट लोकेशन क्या है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। आप देख सकते हैं उसकी करंट लोकेशन निकल चुकी है, और वो यहाँ पे है अभी। और आप ये भी देख सकते हैं कि वो वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पे है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बता रहा है कि ये रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी है तक है, ताकि आप उस तक आसानी से पहुंच सके अगर आप उसके पास जाना चाहते हो तो। और वो जहाँ पे है उसके आसपास क्या है आप देख सकते हैं, सभी कुछ आ गई है आपको। तो इस तरह से आप किसी के भी फ़ोन में बस सिंपल ईमेल आईडी के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसके लोकेशन के बारे में, वो कौन सा ऐप यूज कर रहा है, यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, गूगल पे क्या सर्च कर रहा है, आप सभी जान सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर टच कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो घंटी की सिंबल है उस पर भी क्लिक करना ना भूलें। हम रोज़ाना आपके लिए एक नया टेक वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।